भाई मौसम इतना ठंडा हो गया कि बच्चों को जैसे कपड़े लेने पड़ रहे गर्म। जैसे थको तुरंत जय माता दी बोलना, ठीक है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आपका भाई गौरव डेटा फिर एक बार आपके सामने आते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। तो भाई ये लगा लो सुबह 4:30 को उठा हुआ हूँ और रात को 2 सोए, केवल और केवल 2.5 की नींद ली। और 2.5 की नींद लेने के बाद सीधा भाई पहुँच गए निहारी का भवन। इसलिए पहुँचे भाई वहाँ पे टिकट कराने के लिए हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर की टिकट के लिए भाई उधर पहुँच गए सुबह 4:30। और अभी भगता फिर रहा हूँ किस लिए कि ये देख रहे हो फोटोकॉपी वगैरह कराने की, तो सबकी आईडी की फोटोकॉपी कराई है। पूरी मार्केट में कोई दुकान अभी खुली नहीं थी फोटोकॉपी की। फिर मैं होटल आया, अपने भाई से बोला, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है फोटोकॉपी कराने। फिर उन्होंने सामने होटल वाले से, उनका भी प्रिंटर खराब था, उन्होंने भी फिर सामने होटल वाले से बात करके उनसे निकाल कर दिया भाई। तो सुबह सुबह की भागा दौड़ी चल रही है और भाई उम्मीद करता हूँ कि मातरा ने हमें हेलीकॉप्टर की टिकट दिलवा देगी और मिल जाएगी, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। देखो जो बात है, हमारी थोड़ी सी जर्नी जो है वो आसान हो जाएगी बहुत ज़्यादा। लो जी लो भाई, नीचे से दर्शन करो फिलहाल अभी, तो क्या बढ़िया शानदार नज़ारा है। ओए अभी तक तो मौसम खुल रहा भाई, बाकी कुछ कह नहीं सकते। यहाँ के मौसम का कुछ नहीं पता, कब बदल जाए कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। बाकी भाई अपना इधर पहुँच चुके हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज अगर मेरी टिकट होगी ना तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इधर करनी होती है निहारी का भवन पे आके, ठीक है? तो फटाफट अपना पहुँचते हैं उधर। पवन भाई लाइन में लगे हुए हैं और अब जाके उधर आईडी सबमिट करते हैं, देखते हैं टिकट मिल पाती है या नहीं। तो भाई ये सामने है इधर बस स्टॉप, यहाँ पर सारी बस वगैरह मिलती है और इसी के पास में है इधर ये निहारी का कॉम्प्लेक्स, यहीं पर ही आपको भाई सारी टिकट्स वगैरह सब मिल जाएंगी। मतलब सारी तो नहीं, यहीं पर आपको जो हेलीकॉप्टर की टिकट्स वगैरह मिल जाएगी। तो बस स्टॉप के जस्ट पास में है निहारी का कॉम्प्लेक्स, इधर ही उम्मीद होती है भाई जो मिल जाती है हेलीकॉप्टर टिकट। 4:30 से लेकर 11:30 बज चुके हैं और हमें हेलीकॉप्टर नहीं मिला। भाई ने हमें पहले बता दी थी कि भाई बहुत मुश्किल है मिलना, पर हमने कि चलो कोई बात नहीं फिर भी मेहनत कर लेते हैं। और आपको बताऊँगा हम 9:30 अपने रूम पे वापस आए, 4:30 उधर लगे थे और 9:30 अपने रूम पे वापस आ गए। फिर पवन भाई ने हिम्मत हार ली कि भैया अब चल लो हमें ना भाई। सही में आज पहली बार ऐसा हुआ कि उधर गए हेलीकॉप्टर टिकट लेने, मुझे भी पता है ना कि है क्या फंडा वहाँ पे, वो इतनी जल्दी नहीं मिलते। पर हम आपने बताइए एजेंट वेजे तक चक्कर वो दलाल बना लो, हेलीकॉप्टर का एक ही चांस होता है, वो भी आप अगर शाम को 7 जाके पहले नंबर पे खड़े होंगे, क्योंकि दलाल होते हैं कहने वाला कोई है नहीं वहाँ पे। अब वो जो है एक एक दलाल 20 बंदों के टिकट पकड़ के रखता है तो कहाँ से नंबर आएगा? 3 दलाल के हाथ में 45 टिकट है, और 3-3.5 बजे वो बुला लेते हैं सबको। दलाल लाइन में खुद लगा रहता है लेकिन जब वो 3:30-4 बजे के समथिंग गेस्टों को बुला लेते हैं, वो चीजें हैं बस। चलो कोई नहीं भाई, अब 11:30 बज चुके हैं, अपने यहाँ से निकलते हैं और अब चढ़ाई शुरू करेंगे अपना इन बच्चों को लेकर के। भैया देख लीजिए कैसे हो गई, शिकायत फर्स्ट टाइम है। पर जानू जब पहले कितनी बार भी आया, 2-3 बार, ये तो इसको तो हेलीकॉप्टर मिल गया था। अब की बार जानू पैदल जाएगा, आप भी जाओगे पैदल? ठीक है चलो आप भी जाओगे, भाई चलो ठीक है। अब देखेंगे कौन जल्दी पहुंचेगा, ठीक है? आज रेस लगाएंगे तीनों में से कौन जल्दी पहुंचेगा, और जो रोया उसको वहीं से नीचे फेंक देंगे, ठीक है? जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लो जी भाई फाइनली अपना आ गया इधर, जय माता दी। कार्ड अपना बन चुका है, ये रहा अपना कार्ड, ये देखो मेरा, ये जानू का कार्ड हो गया और अब अंदर एंटर कर रहे हैं। यानू नहीं बोलेगा, इक्कू बोलेगा, उसके बाद फिर अपना चढ़ाई शुरू हो जाएगी। लो जी भैया भीड़ देख लो,
कैसा माहौल हो रखा है इस टाइम वैष्णो देवी में। चढ़ाई पूरी शुरू, जगह जगह पेंट भी चल रहा, दिखाऊंगा अभी आपको। नवरात्रि की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है और जोरों शोरों से काम चल रहा है पेंट वेंट का, दिखाऊंगा अभी आपको। ये देख लो भैया भक्ति, लोग चलने में सोचते हैं चले ना चले, और भाई यहाँ पे लेट के लगा रहे हैं परिक्रमा। क्या बात है भाई, जय माता दी। तो अब की बार जो हमारा साथ दे रहे हैं चढ़ाई चढ़ने में, तो वो दे रहा भाई जानू। हाँ भाई, कितने किलोमीटर चल लिए? 3 किलोमीटर चल लिए। मजा आ रहा है, हैं? थक तो नहीं रहे? थक रहे हो? पापा जी, वो डोंकी पे बैठना है। डोंकी पे बैठना है? हाँ, जो कि वो छोटा भी है। चलो ठीक है, उसको बैठा देंगे। मजा आ रहा है वैसे फुल? हाँ भाई, मजे आ रहे। टकल टकल तो मजा आ रही है। मुझे जानू को दिक्कत हो रही है। एकांश को तो फुर कर दिया आज ट्रॉली में। देख ही तो जा कैसे उसको तो भाई बैठा दिया आज। जानू हमारे साथ है और एकांश उसमें ट्रॉली में, प्रेम बोलते थे, प्रेम प्रेम में। दोनों माँ बेटा आ रहे, वे थकते थकार थे। जय माता दी, जय माता दी। जैसे थको तुरंत जय माता दी बोलना, ठीक है? जहाँ भी थको तुरंत जय माता दी, ठीक है? नहीं हो रहा जितना खींच तक तो खींच लो, वरना बाद में बचाएगा और अब ना तुम ले ना हमसे। अब फिर हो क्या था? और फिर सारा मामला खराब हो जाएगा भाई। ये देख रहे ट्रॉली में, पहली बार करे ट्रॉली। दोबारा मत बोल भाई, क्या बोला भाई? कई बार तो ऐसी बातें बोलते था, मेरा कैमरा ऑफ होता, फिर मैं तो हाँ भाई दोबारा बोलो। मैं वही बोल रहा हूँ, जो एक बार में वो स्टार्टिंग में निकल जाती ना, वो अपने आप निकल जाती, दोबारा में वो फ्लो नहीं आता। ठीक है सर, ठीक। हमेशा बोलते हैं भाभी क्या दिक्कत करता है, आप पूछो जरा भाई क्या दिक्कत कर रहा है। हाँ भाई आप पता, ये दिक्कत कुछ नहीं कर रहा है, एक आराम मचा रहा है बस। पता पड़ रही है ना? पहले तो बता दो क्या ही पड़ गई, बस कोहराम ही उसका है। वो सुनता ही नहीं किसी की। उसे जो हल्ला काट रहा है वो काटना है। अब ऐसा है, सो रहा है, घर चलो आगे। चलो चलो भाई जान लाओ। तो ये देख लो भाई, यहाँ पे हो रहे नवरात्रों की तैयारियाँ, और तैयारियाँ में भाई सारे जो है ना, इधर जितने पिलर वगैरह सब पेंट करे जा रहे भाई। जोर से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, सारे बोलो जय माता दी। करा शेरा वालिदा बोलता के दरबार जय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्या ब्लॉग बनाना आपका? अच्छा, जय माता की, जय माता की। अच्छा देखो इधर गर्मी लग रही है भाई, हाँ ठंड लग रही है, कपड़े लाए सर्दी के है ना। चलो भाई ये देख लो, यहाँ से नजारा भवन का। हाँ नीचे देखो भाई, दुर्गा दुर्गा भवन खुला है अभी, ये नया, आपको मैं दिखाऊं जूम करके। ये है दुर्गा भवन, यहाँ पे अपना आप आराम से आके बैठ सकते हैं, अपना थोड़ी देर इधर विश्राम कर सकते हैं, सब चीज़ें के लिए बढ़िया है। मतलब कुल मिला के यहाँ की फैसिलिटी है सारी, अपना रूम वगैरह की भी इधर मिल जाती है, सारा सब कुछ है यहाँ पे, खाने पीने से लेके सब चीज़। सबसे पहले भाई यहाँ का नज़ारा देखो भाई, सूर्य देवता अपना जा चुके अपनी जगह पर, और भाई अपनी किरण छोड़ के यहाँ क्या बेहतरीन लग रहा है, देखो गजब का नज़ारा। टाइम की बात करूँ तो भाई टाइम हो रहा है इस टाइम 6:30 का, और भाई बेहतरीन भी है ये देख रहे हो। ओए होए, ये देखो इधर अपना सारे यात्री आ रहे जा रहे हैं, बढ़िया एकदम, कितना गजब का नज़ारा था। मैंने कहा यार ये तो अपने ब्लॉग में हम जरूर कैसे करेंगे,
बाकी ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, इस पहाड़ के जस्ट इधर की तरफ हमारी माता रानी बैठी हुई है। तो भाई फाइनली हमारे दर्शन वगैरह सब चीज़ हो चुकी है और आज भाई हमारी बहुत तगड़ी परेड होगी, हेलीकॉप्टर को लेकर भी और बैटरी रिक्शा के लिए भी। कोई भी चीज़ हाथ नहीं लगी, ना तो हेलीकॉप्टर हाथ लगा और ना भैया बैटरी रिक्शा। इतना काम चल रहा भाई, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी आज आने में। और फिर भी आपको बताऊँ भाई, आज ऑफलाइन बहुत ट्राई करा, हेलीकॉप्टर मिल जाए नहीं मिला, 4 घंटे वेटिंग में खड़े गए मैंने आपको बताया। उसके बाद भाई हमने बैटरी रिक्शा के लिए ट्राई करा, 1 घंटे उसके लिए वेट करा, 1.5 घंटे वो भी हाथ नहीं लगा। और भाई चलो कोई नहीं, फिलहाल अब हमारे दर्शन हो चुके हैं, बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। आज जिस गुफा में से मैं निकला वो भाई मेरा फर्स्ट टाइम था और मज़ा आ गया निकल के भाई, मतलब दिल खुश हो गया कुल मिला के जो बात है भाई। भले ही बेशक हमें ना हेलीकॉप्टर मिला ना बैटरी रिक्शा मिला, पर भाई माता रानी ने नू कह दी कि आज तेरी तगड़ी परीक्षा जरूर होगी पर दर्शन बेहतरीन होंगे। कुल मिला के मतलब भाई अच्छा रहा। और भाई आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, जानू ने आज पूरी परिक्रमा ये लगा लो पैदल करी है, कोई भी चीज़ का सहारा नहीं लिया, ना ही प्रेम का जो प्रेम सवारी होती है उसका, और ना ही भाई घोड़े वोड़े किसी चीज़ का। तो लौंडे ने भाई साहब मज़ा खड़ा कर दिया जो बात है। तो सब जानू को जय माता दी लिख दो भाई, जानू आप भी सबको जय माता दी बोल दो। जय माता दी, ये बात, ये देखो जय माता दी नंगू धड़ंगू। चलो भाई आओ, बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा आज पीछे है। देख लो क्या शानदार नजारा है भाई, मौसम इतना ठंडा हो गया कि बच्चों को जैसे कपड़े लेने पड़ रहे गर्म। अरे यार, अरे यार, मतलब कपड़े पहनने हैं भारी पड़ रहे हैं। दूसरा, अरे यार नहीं पहनाओ पहले भैया, जाके कैसा करे यार देख लो, मतलब जहाँ मन करा वही लौट गया। ये देखो जो बच्चा उसको कोई ऊपरे का कोई खुद, हाँ सही बात है। देखो कला बंदी मार रहे भाई, ए दे ए ले। लो भैया हमारे साथ दो दो भालू आ गए, एक ये बड़ा भालू, एक छोटा भालू, छोटा भालू थोड़ा कमजोर हो रहा है, बड़ा बड़ा वाला भालू कत सेट। ये दिविशा है भैया, सब ने अपना अपना देख लिया, भाभी ने भी ले लिया, ये देख लो सॉल ओढ़ लिया दीपांजी, इसकी जरूरत क्या है। और देख लो जी हमारी मैडम ने भी ले लिए, तो आप तुम भी देख लो तबन लग रही ठंड में। अरे मैं क्या लूं, मेरे समझ ही ना आ रहा, ऐसा लग रहा जैसे पवन की दुकान हो, दुकान खोल के बैठा हूं। क्या बोल रहा है, जैकेट मेरे पास है ही, हां ऊपर जाऊंगा नीचे आऊं गर्मी लगेगी, मेरे को पसीना आएगी वो मालूम है। चल भैया ज्यादा नहीं है, ओके ओके चलो ओके। तो भाई हमने भी अपनी हुडी वुडी ले लिया, ठंडोरी मैंने क्या ले ले अपना, पता पड़ रहा है घर जाते जाते इतना बीमार बीमार हो जाए, इसलिए हमने भी ले ली। लो जी भैया हो गए भैरव बाबा के दर्शन भी, मंदिर पूरा खाली पड़ा हुआ, कोई हमारे अलावा और कोई भक्त में जो भाई थे। और भाई 10 बज रहे हैं इस टाइम, मंदिर पूरा खाली, बढ़िया एकदम।